हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? अच्छे ही होंगे सब। तो आज मैं लेके आई हूँ बोगनवेलिया की वीडियो लेके। तो पहले मेरा गुलदाउदी देख लीजिए, गुलदाउदी की कलर देख लीजिए, बहुत ही अच्छे कलर में है, बहुत ही सुंदर प्लांट है, बहुत ही सुंदर खिली है। इस साल ही मैंने इसको तो चलिए मैं बोगनवेलिया को लेके कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देती हूँ। ये विंटर का मौसम है, तो विंटर अब बाय बाय हो रही है। जो मौसम आने वाली है वो है समर के मौसम। समर के मौसम में इसको क्या करना चाहिए, कब इसको रिपोर्टिंग करना चाहिए, कब इसकी कटिंग करना चाहिए, तो चलिए देखते हैं कब इसकी रिपोर्टिंग करना चाहिए। दोस्तों, आप लोगों को सबको वेलकम करती हूँ मेरे गार्डनिंग चैनल फ्लावर हाउस में। आप लोग को अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, स्किप मत कीजिएगा फ्रेंड। लाइक नहीं करना हो तो मत करना, लेकिन स्किप मत कीजिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा। जब वीडियो आप पूरा देखिएगा तो इन्फॉर्मेशन आपके पास पूरा जाएगा। तो चलिए बोगनवेलिया के लेके बात करते हैं। बोगनवेलिया से कुछ बोगनवेलिया प्लांट खरीद के लाई हूँ, तो पहले ही दो वीडियो में मैंने बोला है आप लोगों को। तो देखिए, मैंने कटिंग भी कर दिया था, पहली वीक में ही मैं कर दिया था। तो देखिए, नए नए पत्ते निकल आए हैं, सूट निकल है आए हैं। तो आप लोग अगर चाहते हैं कि बोगनवेलिया पूरा समर में बहुत बहुत फूल दे, तो बोगनवेलिया की कटिंग आप लोगों को अभी करना होगा। तो बोगनवेलिया की कटिंग अब जितना बोगनवेलिया की कटिंग करेंगे उतना इसका ब्रांच निकलेंगे, उतना उसका फ्लावर होगी। तो देखिए, बोगनवेलिया की कटिंग मैं अभी करती हूँ, तो इसकी सॉइल मीडिया भी चेंज करना होता है। सॉइल मीडिया के बात मैं नहीं बोलूँगी, क्योंकि सॉइल मीडिया, देखिए सॉइल मीडिया मैंने पहले ही दे दिया है। सॉइल मैं इतना सुंदर दे दिया है बना के, एक इसका सॉइल बनाने में मुझे एक महीने लगा। ये सॉइल मैं ऐसे सुंदर बनाया है कि इसके सॉइल की कोई खाद देना ज़रूरी नहीं है। 6 मंथ में मैं इसको कोई खाद नहीं दूँगी, अभी कोई खाद नहीं दूंगी। अगले साल जब ठंड के मौसम से पहले मैं इसको खाद दूंगी, लेकिन अभी मैं कुछ नहीं दूंगी। इसमें जो खाद दिया है सब ऑर्गेनिक खाद है। समर में एक केमिकल खाद मैं दूंगी, तो समर में मैं इसको आप लोगों को बोल दूंगी क्या खाद देती हूँ। तो जानती है इसकी मिट्टी, मैं इस मिट्टी में मैंने क्या दिया है, फिर से मैं बोल देती हूँ। लेदर मिल है, बोन मिल है, हॉर मिल है, ब्लड मिल है, और भर्मी कंपोस्ट है, नीम की खली है, बस यही है इसमें। तो ये सब मिला के मैंने 1 महीने रख दिया था। 1 महीने रख देने के बाद फिर इस मिट्टी को मैंने बोगनवेलिया में यूज़ किया है, रिपोर्टिंग किया है। तो आप लोग ऐसे ही मिट्टी तैयार करें बोगनवेलिया के लिए, बहुत सारे ढेर सारे फूल पाने के लिए, क्योंकि जो जो ऑर्गेनिक खाद मैंने आप लोगों को बताया, वो ऑर्गेनिक खाद बोगनवेलिया को बहुत पसंद है। तो चलिए, अगर कटिंग के बारे में बताना चाहते हैं तो कटिंग कैसे करना है। देखिए, फूल ख़त्म हो जाने के बाद सूख गई है, जो फूल ख़त्म होने के बाद सूख गई है वो काट देना है। देखिए, मैं इसकी कटिंग ऐसे करूँगी, मैं इसको एक शेप लेके आऊँगी। शेप लेने के लिए मुझे ऐसे इधर से काट देना होगा। देखिए, मैं इधर से काट दे रही हूँ, देखिए ऐसे मैं कटिंग कर रही हूँ। ऐसे करनी है, ऐसे जो ये छोटा छोटा वाला ब्रांच होता है ना, ये छोटा छोटा वाला ब्रांच, ये तो तोड़ देना चाहिए, इसको कट देना है। तो मैं इससे इधर से एक कट लगाई हूँ, आप लोगों ने देखा है, मैं इधर से कट लगा दूँगी। देखिए, ऐसे कटिंग करना है, ऐसे कटिंग करना है। अगर ऐसे कटिंग करेंगे तो बहुत सारे ब्रांच निकलेगी। बस ये बहुत छोटा ब्रांच है, मैं यहाँ से कट दे रही हूँ। देखिए, बहुत ही कमज़ोर ब्रांच है ये। देखिए, इसको मैं इधर से कट कर रही हूँ। देखिए, सब मैं कट कर दिया है, सिर्फ एक ब्रांच रखा है। ये नई सूट है, निकल रहा है, इसीलिए मैंने इसको रख दिया है। देखिए, इसको मैं पूरा, ये देखिए एक सूखा ब्रांच है, देखिए ये एक सूखा ब्रांच है, इसको भी मैं कट कर दूँगी। कुछ भी सूखा मैं इसमें नहीं रखूँगी। यार, इसके पानी, सब लोग बोलते हैं कि फूल लाने के लिए इसके पानी बहुत कम देना पड़ती है, पानी की रिक्वायरमेंट रखना पड़ती है, लेकिन मैं बोलती हूँ इसको पानी की कोई रिक्वायरमेंट की ज़रूरत नहीं है। आप जब देखिए ऊपर का मिट्टी सूख जाए,
हल्का हल्का सूख जाए तो आप इसको पानी दे सकती हैं। इसको पानी भरपूर मात्रा में दीजिए, इसका कुछ भी नहीं होगी। जैसा मीडिया मैंने दिया है उस मीडिया में कुछ भी नहीं होगी इसकी। तो ये मैं पूनिंग करूँगी, देखिए इसका भी मैं पूनिंग करूँगी। इसका पूनिंग कैसे करूँगी देखिए, देखते हैं मैं कैसे इसका पूनिंग कर सकती हूँ। ये छोटा छोटा वाला जो ब्रांच होता है ना, ये छोटा वाला जो ब्रांच होता है, इस सबको काट देना है, सबको काट देना है, क्योंकि प्लांट की जो बढ़ने की जो ताकत होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो मैं इसको काट दूँगी, इसके जो छोटे छोटे ब्रांच है सब काट दूँगी। देखिए मैंने सब काट दिया है, इसका भी जो छोटा ब्रांच है मैं काट दूँगी, इससे भी जो छोटा ब्रांच है देखिए ये भी काट दूँगी। यहाँ से जो ब्रांच निकली है वो भी काट दूँगी, देखिए वो भी काट दूँगी। मैंने सब काट दिया है, सब काट दिया है। इसका जो छोटा छोटा जो निकल रहा है वो रहने दीजिए, और बाद जो है ये देखिए बहुत ही कमज़ोर ब्रांच है, उसको भी मैं तोड़ दूँगी। तो ऐसे कटिंग करना चाहिए, ऐसे कटिंग करिए आप लोग। जो छोटा 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 सा सूट निकल रहा है देखिए, इसको मैं कट नहीं करूँगी। देखिए इसको 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 मैं कट नहीं करूँगी, ये रख दूँगी और हर ब्रांच को मैं काट दूँगी। देखिए मैं हर ब्रांच को काट दिया है, कोई भी ब्रांच इसमें नहीं है। तो आप जितना कटिंग करेंगे उतना इसको फूल दिखाई देगी। तो ये देखिए इसका भी कटिंग मैंने जनवरी मंथ के पहले ही कटिंग कर चुकी हूँ, फिर भी मैं इसको और थोड़ा सा छोटा करना चाहती हूँ, थोड़ा सा छोटा करना चाहती हूँ कि ऐसे कर देना है। देखिए ऐसे जो एंगल है इस एंगल में कर देना है। देखिए मैं काट दे रही हूँ, देखिए आप लोग देखिए, मैं छोटा सा कर दूंगी इसको, क्योंकि मुझे बुशी और सुंदर प्लांट चाहिए, इसको मैं बुशी बनाऊंगी, इसीलिए मैंने ऐसे काट दिया। तो फ्रेंड ऐसे ही आप लोगों को काटना है, ऐसे ही आप लोगों को पूनिंग करना है। देखिए और जो मिट्टी मैंने तैयार किया है, ऐसे मिट्टी तैयार करके आप लोग दे दीजिए, जब इसकी फूटा निकाल आएगी तब मैं आप लोगों को बोलूँगी। अब इसको फुल सनलाइट में रखिए, इसको फुल सनलाइट बहुत पसंद है, इसको फुल सनलाइट में रखिए, और कुछ भी करना ज़रूरत नहीं है। मेरा देखिए ये दीवार के, एक दीवार है, दीवार के ऊपर मैं रख दिया है, क्योंकि यहाँ फुल सनलाइट आती है। ठीक है, तो फ्रेंड आज यही तक थी, बाद में फिर से मैं नए वीडियो लेके आप लोगों के पास आऊँगी। तो फ्रेंड बाय बाय, टेक केयर।